हाय गाइस, सो टुडे वी आर इन शाकुविच से और प्लान ये है कि अभी हम उधर पहाड़ पे टॉप पे जा रहे हैं। रास्ते में ये बहुत ही जबरदस्त लेक है जो रोड के दोनों साइडों पे स्प्रेड हुई हुई है, एंड आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन द साउथ ऑफ चेक रिपब्लिक। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं नियर शाकुविच से और अब हमारा प्लान है उधर टॉप पे जाने का, वहां और उसकी बैक साइड पे बहुत बड़ी लेक है। सो ये टॉप ऑफ द हिल है और वहां पहुंच के देखते हैं कि बैक साइड पे कैसा व्यू आता है। सो लेट्स गो। This is Kalanth Nise village, which is one of the oldest villages in Czech Republic. और अब हम through the forest hike करके hill के top पे जाएंगे और castle पहुँचेंगे। रास्ते में different points पे sign boards लगे हुए हैं for the guidance. तो अब हम Orphan Castle पहुँचने वाले हैं जो कि Pavlovsky Vrchy hill के top पे है। वहाँ नीचे से हम आए हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे एंड देन वी विल गो फर्दर अप। तो ये हमारा स्टे पॉइंट है और यहाँ से व्यू भी आ रहा है लेक का, और ये छोटा सा टाउन है इसका भी वो आ रहा है। वहाँ नीचे हमने कार पार्क की थी और वो सामने लेक है साइड पे। सो दैट इज द लेक और एक पिलर तो नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमने पहुँचना है। बट दिस इज़ द व्यू, अच्छी कूल ब्रीज है, क्लाउडी डे है, अच्छा वेदर है इस वक्त। दिस इज Srochi Radik विच वॉज गॉथिक कैसल इन द टाइम्स ऑफ 13th एंड 14th सेंचुरी और अब ये इसके रिमेन्स हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड, आई कैन सी वन ऑफ द पिलर्स और ये ड्यूरिंग द वॉर्स काफ़ी डैमेज हुआ था, बट स्टिल इसके रिमेन्स जो है उनको उसी तरह से प्रिजर्व किया गया है। सो वी आर हेयर टू सी बिकॉज ये चेक रिपब्लिक के वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स में से ये प्लेस है। सो आज एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, पीपल आर हेयर टू विजिट इट एंड वी आर ऑल्सो हेयर, सो लेट्स गो एंड सी कि ये कैसा लगता है। सो ये है फ्रंट व्यू और थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मैं आपको इस कैसल के बारे में बताऊँ तो ये Siegfried Wais किंग के नाम पे ये कैसल था जो कि ट्रांसलेटेड एज ऑर्फिन है, इसलिए इस कैसल को हम ऑर्फिन कैसल भी कहते हैं। और उसकी डेथ के बाद ये Liechtenstein एंड Drechsel-Stein फैमिलीज के पास रहा और फिर 16th सेंचुरी के बाद ये अबंडन हो गया, सो अब ये ऑर्फिन कैसल है। ओके, दिस इज द डेड एंड। आई थिंक ये होल्डर्स लगाए हुए हैं, इसी में एट नाइट वो लेंटर्न्स जो है वो फिट कर देते होंगे। उस साइड से हमने देख लिया, दैट इज डेड एंड, आगे कुछ भी नहीं है, जैसे खाई है और सामने लेक नजर आ रही है। अब दूसरी साइड से देखते हैं एंट्रेंस। इस ऑर्फन कैसल का जो ये फ्रंट साइड है ये चेक रिपब्लिक की तरफ है और वो सामने वाले पहाड़ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जो है एक चेक पॉइंट है जो कि इस कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे यूज़ होता था। और ये लेक वाली साइड चेक रिपब्लिक की तरफ है और इस कैसल की जो बैक साइड है वहाँ से ऑस्ट्रिया का व्यू नज़र आता है।
एक ये छोटा सा ट्रिप था, विजिट था इस जगह का. वी विल कीप अपडेटिंग यू एंड शोइंग यू मोर न्यू प्लेसेस वेयर वी विल एक्सप्लोर. सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन, बाय बाय.